ऑक्टोबर को थ्री फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली सुबह 11:00 बजे मैं चाहता हूं कि आप भी वहां पर उपस्थित रहें और मेरी आने वाली वेब सीरीज एसएस सिकट ट्रेलर लॉन्च एक्सक्लूसिवली वहां पर मैं आपको मिलूंगा मेरी टीम वहां पर मिलेगी और हम सब मिलकर उठाएंगे ट्रेलर का लॉन्च धन्यवाद हेलो एवरीवन आई एम स्नेहल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस UGC NET @247 आई एम योर मेन्च्योर फॉर पेपर टू एजुकेशन एंड स्वागत है सबका हेलो हम दम गरिमा सोनाली अंकिता ठीक है तो आज हमारी है डेमो क्लास सेकेंड आप देख सकते हो मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ और डेमो क्लासेस दूंगी या फिर बोल सकते हो थ्योरी क्लासेस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे थे तब भी आप लोगों ने बताया था कि मैम हमने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आज हम पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन इसमें हमें तीन लोगों को पढ़ना है एक है शुलमैन एक है हेब्रमस और इसके अलावा है डेंग इन ल्यूक ठीक है तो ये जो आपकी यूनिट फोर है आप देख रहे हो ये जो आपकी यूनिट फोर है अध्यापक शिक्षा टीचर एजुकेशन इसमें आप देखिए आपकी जो सेकंड सब यूनिट है बी इसका ये पार्ट है पर देखिए फर्स्ट हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ डेंग एंड हेबरमस तो आज मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगी कि इन्होंने क्या बताया है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का क्या नॉलेज बेस होता है ठीक गुड आफ्टरनून एवरी वन अंगद अंकिता सबका स्वागत है सुमन ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो सबसे पहले हमारे पास है डेंग एंड इन यूक इन्होंने 2008 में यह काम किया था और इन्होंने तीन टाइप की नॉलेज बताई थी पहले तो आप ये चीज समझो कि नॉलेज बेस का मतलब क्या है यहां पर क्यों बोला जा रहा है ये टॉपिक का नाम ये क्या मतलब है अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन आपने देखा है ना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं बीएड डीएलएड बीएलएड बहुत सारे तो इसमें टीचर को पढ़ाया क्या जाए नॉलेज तो बहुत सारी हैं बहुत प्रकार की हैं तो उन टीचर को क्या पढ़ाया जाए इसके बारे में इन तीनों लोगों के क्या व्यूज़ हैं ये चीज़ हमें इसमें पढ़नी है आप समझ रहे हो ना ज्ञान ज्ञान तो अपार है इतना है कि कहीं मतलब बहुत ज्यादा है लेकिन हमें तो लिमिटेड पढ़ाना है ना टीचर को तो क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए तो उसी के बारे में आपको कौन बता रहे हैं ये तीन लोग बता रहे हैं कि इतने टाइप की नॉलेज हो सकती है जो हमें टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में यानी कि टीचर एजुकेशन में ऑफर करनी है शिक्षक शिक्षा में देनी है हेलो सूर्यमणि निष्ठा स्वागत है नेहा रोमा तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि जो आपके डेंग एंड ल्यूक हैं ठीक है ठीके? इनके पूरे नाम भी देख सकते हो इन्होंने इन्होंने क्या बताया कि एक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कितने तरह की नॉलेज होनी चाहिए और हमें पढ़ानी चाहिए तो पहला प्रकार आप देख सकते हो पहला प्रकार क्या लिखा है देखिए पहला प्रकार है डिसिप्लिनरी नॉलेज का जिसका दूसरा नाम एग्जाम में लिखकर आएगा फैक्चुअल ठीक है हिंदी में देखिए तो शास्त्रीय और या फिर तथ्यात्मक एक चीज और ध्यान देना अगर इन दोनों में चूज करने को आ जाए तो हमेशा डिसिप्लिनरी वाले को वेटेज देना इसको सिलेक्ट करना ठीक है अगर तथ्यात्मक और शास्त्री में चूज करने को आ जाए तो ये जो पहले वाला है ना इन टर्म्स को यूज करना चूज करना क्यों क्योंकि ये एग्जैक्ट टर्म है जो डेंग और ल्यूक ने यूज किए थे ठीक है दूसरे टाइप की नॉलेज देखिए क्या है दूसरे टाइप की नॉलेज है प्रैक्टिकल या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल हिंदी में देखें तो प्रक्रियात्मक ठीक है आगे चले थर्ड देखिए थर्ड प्रकार क्या है ज्ञान के तीन अवधारणाएं हैं तीन कंसेप्शन है इनके अकॉर्डिंग तीन प्रकार हैं तो तीसरी है एक्सपीरियंशियल अनुभा अनुभावनात्मक समझ आए तीन क्या प्रकार है एक डिसिप्लिनरी है जिसका दूसरा नाम है फैक्चुअल हिंदी में देखें तो क्या बोलेंगे शास्त्रीय या फिर तथ्यात्मक दूसरा प्रकार क्या बोला था प्रैक्टिकल प्रोसीजरल या प्रक्रियात्मक और तीसरा अगर देखें तो एक्सपीरियंशियल और अनुभात्मक समझ आए तीनों नाम याद रखें एग्जाम में आए हैं ठीक है इनका सीक्वेंस, पूछा, सीक्वेंस ने, इनके टाइप पूछे कहते कि ल्यूक ने कौन से प्रकार के ज्ञान और नॉलेज प्रपोज किए हैं बताए हैं ठीक है, है अब इनके बारे में जानते हैं कि इनका मतलब क्या क्या है कैसे एक दूसरे से ये अलग है सबसे पहला देखिए डिसिप्लिनरी नॉलेज या फिर फैक्चुअल जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय या फिर तथ्यात्मक इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि हर एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या होता है डिसिप्लिन आप समझते हो ना एक सब्जेक्ट जैसा होता है कि आप देखते हो कि एक कॉमर्स एक सब्जेक्ट है एजुकेशन एक सब्जेक्ट है है कि नहीं लेकिन एजुकेशन तो इंटर डिसिप्लिन है उसको साइड रखिए ट्रू डिसिप्लिन क्या हैं जैसे सोशियोलॉजी है फिलासफ़ी है मैथमेटिक्स है फिजिक्स है बायोलॉजी है ये सब क्या है डिसिप्लिन हैं ठीक थी। है इनकी अपनी जो नॉलेज होती है कैसी इनकी जो खुद की स्पेसिफिक पर्टिकुलर नॉलेज होती है उसको हम किसमें डालते हैं डिसिप्लिनरी नॉलेज जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं लॉज ऑफ मोशन तो लॉज ऑफ मोशन किस डिसिप्लिन का ट्रू पार्ट है वो फिजिक्स का पार्ट है ठीक है फोटोसिंथेसिस कहाँ पढ़ते हो आप पढ़ते हो बायोलॉजी में लाइफ साइंसिस में तो ये उसका ज्ञान है ठीक है जैसे आपको मैं बोलूँ uh, कि रियलिज्म या फिर बोलूँ आइडियलिज्म uh, ये कहाँ पढ़ते हो ये फिलॉसफी का पार्ट है तो कोई एक सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट एक एक्यूरेट एक सही वर्ड नहीं होता लेकिन आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ डिसिप्लिन को मान लो कि सब्जेक्ट बट ये दोनों अलग अलग होते हैं तो आप ऐसे समझने के लिए समझ सकते हो कि ये बहुत सारे डिसिप्लिन है हर डिसिप्लिन का अपना खुद का कुछ ज्ञान होता है होता है ना अपनी बॉडी ऑफ नॉलेज अपनी बॉडी ऑफ ज्ञान तो वो क्या होगा आपका डिसिप्लिनरी के अंदर आएगा शास्त्रीय ज्ञान के अंदर आएगा तो उम्मीद करती हूं समझ आई ये चीज समझ आ रही है समझ आ रहा है ये क्या होता है डिसिप्लिनरी के अंदर जैसे बायोलॉजी है बायोलॉजी में आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है सर्कुलेशन क्या होता है एक्सक्रीशन क्या होता है न्यूरल सिस्टम क्या होता है नर्वस सिस्टम क्या होता है है कि नहीं तो ये इसके खुद के डिसिप्लिन का क्या है ज्ञान है तो क्या बोला ल्यूक ने कि पहला टाइप का ज्ञान क्या है आपका ये ये चीज आप हिंदी में भी देख सकते हो कि ये पहले तरह का ज्ञान है इसको हम एक और नाम से जानते हैं ये ज्ञान है इंग्लिश में देखिए तो इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल कैनोनिकल नॉलेजिकल कैनोनिकल वर्ड का मतलब होता है ऐसी नॉलेज जो क्या है वाइडली एक्सेप्टेड एंड फंडामेंटल है जैसे आप देखिए बायोलॉजी पढ़ानी होती है तो चाहे इंडिया में पढ़ाए अमेरिका ने पढ़ाए सब लोग सेम चीज पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं कि रेस्पिरेशन भी वही वो लोग पढ़ा रहे वही हम भी पढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस में वो लोग जो पढ़ा रहे वही हम भी पढ़ा रहे हैं तो एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो डिसिप्लिनरी फैक्चुअल या फिर शास्त्रीय या तथ्यात्मक इनका मतलब क्या है किसी डिसिप्लिन का अपना खुद का ज्ञान ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज दूसरा देखते हैं जो दूसरे टाइप की जो दूसरे टाइप की डेंग एंड ल्यूग ने नॉलेज बताई वो क्या थी प्रैक्टिकल नॉलेज ये वो नॉलेज है जो आपको करके आती है ठीक है प्रैक्टिस से आती है विजडम ऑफ प्रैक्टिस करके क्या चीज़ें सीखते हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको लैपटॉप में टाइपिंग करना सीख लो तो जब तक आप टाइपिंग करोगे नहीं आप सीखोगे नहीं है कि नहीं एक स्किल है ना टाइपिंग अगर मैं बोलूं कि साइकिल चलाना सीख लो तो क्या कहीं से पढ़ वढ़ के सीख जाओगे साइकिल चलाना नहीं सीखोगे जब तक खुद से चलाने की कोशिश नहीं करोगे उस साइकिल को तो प्रैक्टिकल ज्ञान या फिर इसका दूसरा नाम क्या था प्रोसीजरल uh, प्रोसीजरल प्रक्रियात्मक ठीक है प्रक्रियात्मक ये ऐसा ज्ञान है जो आपको करके आता है प्रैक्टिस से आता है इसमें कैसा ज्ञान होता है इसमें आप स्किल सीखते हो टेक्निक सीखते हो या फिर मेथड सीखते हो है कि नहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको माइक्रोस्कोप से सेल का स्ट्रक्चर देखना है तो जब तक आप माइक्रोस्कोप में देखोगे नहीं जाके तब तक आपको नहीं आएगा माइक्रोस्कोप यूज करना तो यहां पर कैसी नॉलेज आ रही है ऐसी नॉलेज जो आप क्या करते हो प्रैक्टिस करके ज्ञान प्राप्त करते हो ठीक है समझ आई समझ आया प्रैक्टिकल ज्ञान प्रोसीजरल ज्ञान क्या है साइकिल चला पाना टाइपिंग कर पाना ये भी तो एक तरह का ज्ञान है ठीक है तो ये दूसरे टाइप का हो गया आगे चलते हैं तीसरे टाइप का देखिए तीसरे टाइप का जो ज्ञान बताया है डेंग इन ल्यूक ने वो क्या है वो है आपका एक्सपीरियंशियल ठीक है एक्सपीरियंशियल हिंदी में देखिए क्या है अनु अनुभावनात्मक साफ साफ समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है ड्यूई जिस एक्सपीरियंस की बात करता था कि बच्चे एक्सपीरियंस करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं ये उसी टाइप का ज्ञान है जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अमेरिका जाकर जैसे आपको एक बुक दे दी जाए फॉर एग्जाम्पल आपको एक बुक दे दूँ और इसमें आप पढ़ लो कि देखो अमेरिका का कल्चर ये है यहाँ पर ये होता है वो होता है अमेरिका में ये सब चीज़ें होती हैं अमेरिका में एक ये चीज़ है दूसरा है कि मैं उस इंसान को अमेरिका भेज ही दूँ तो देखिए दोनों में कितना अंतर है इंसान एक्सपीरियंस यहाँ करेगा जहाँ पे एक्चुअली उस इंसान को वहाँ भेज दिया जाएगा वहाँ जाके जो उसके अनुभव होंगे ठीक है वहाँ से वो जो सीखेगा वो जो ज्ञान है वो क्या होगा उसका एक्सपीरियंशियल uh, वाला ज्ञान ठीक है जबकि बुक से पढ़ के अमेरिका के बारे में कि वहाँ का ये कल्चर है ये फेस्टिवल्स होते हैं आपको एक्सपीरियंशियल ज्ञान नहीं मिलेगा उससे ठीक है आपको एक्सपीरियंशियल ज्ञान कब मिलेगा जब वो एक्चुअली जाके आप क्या करोगे एक्सपीरियंस करोगे और एक्सपीरियंशियल ज्ञान के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक अमीर इंसान है और वो जानना चाहता है कि लोग गरीबी में कैसे रहते हैं झोपड़पट्टी में कैसे रहते हैं स्लम्स में कैसे रहते हैं तो हो सकता है वो किसी की बुक पढ़ ले उसके ऊपर कि वहाँ पे पानी नहीं होता खाने की पूरी व्यवस्था नहीं होती लेकिन ये एक्सपीरियंशियल ज्ञान नहीं होगा एक्सपीरियंशियल ज्ञान क्या होगा जब वो खुद जा के वहाँ ये चीज़ एक्सपीरियंस करे तो आई होप ये तीन टाइप के जो ज्ञान हैं तीन टाइप के जो कंसेप्शन ऑफ नॉलेज है डेंग एंड ल्यूक ने जो दिए हैं वो आपको समझ आए हैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ मैं आपको पहला देखिए क्या था पहला था डिसिप्लिनरी जिसके और क्या नाम है फैक्चुअल शास्त्रीय या तथ्यात्मक इसमें कौन सा ज्ञान आता है किसी डिसिप्लिन का किसी सब्जेक्ट का अपना ज्ञान ठीक है जो उसमें पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल में क्या आता है ऐसा ज्ञान जो आपको प्रैक्टिस करके आता है इसमें क्या चीजें आती है मेथड स्किल एंड टेक्निक्स तीसरा क्या है एक्सपीरियंस ऐसा ज्ञान जो आपको एक्सपीरियंस करके आएगा अगर आप अनुभव करोगे तो ही वो ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी तो ये तीन टाइप के किसने दिए हैं आपको आपके डेंगे ल्यूक ने चलिए आगे देखते हैं अगले कौन है अगले हैं आपके जर्गन हेबरमस ठीक है जर्गन हेबरमास इनका याद रखना इन्होंने एक थ्योरी दी थी उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग में आ जाता है कभी कभी कि ये थ्योरी किसने दी वो थ्योरी किसने दी तो याद रखिए थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट ठीक है ज्ञान संवैधानिक रचनाएं ठीक है सॉरी रुचियाँ सॉरी सॉरी ज्ञान uh, uh, ज्ञान सॉरी uh, ज्ञान संवैधानिक रुचियों का सिद्धांत ठीक है ये किसने दिया है आपके हेबर मास ने दिया है याद रखना क्योंकि मैचिंग में कभी कभी आ जाता है कि ये थ्योरी किसने दी है तो आपको मैचिंग करनी पड़ेगी ये जो ज्ञान समवैधानिक uh, रुचियों का सिद्धांत है ये आपके किसने दिया है हेबर मास ने दिया है इन्होंने तीन टाइप के बताए थे पहला था टेक्निकल दूसरा था प्रैक्टिकल इसी का दूसरा नाम क्या है हर्मीनियोटिक ठीक है तीसरा क्या है क्रिटिकल या फिर इमैनसिपेटरी तो ये जो इनसे ना बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं काफी ऊपर ऊपर से आते हैं कि ये किसने दिया वो किसने दिया कितने टाइप की नॉलेज इन्होंने दी कितने टाइप की नॉलेज उन्होंने दी ठीक है समझ आ रहा है आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी टाइप की नॉलेज आपको समझना है तो एस सी पी एजुकेशन पूछ रहे हैं मैम डिफरेंस क्या है एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल वो है जो आपको प्रैक्टिस कर करके आएगी ठीक है बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहे हैं आई नो काफ़ी मिलते जुलते हैं जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे एक्सपीरियंस तो करोगे ही लेकिन मान लीजिए आपको कोई स्किल सीखनी है तो उसको आपको बार बार करना पड़ेगा कार चलाना सीखना है साइकिल चलाना सीखना है तो वो बार 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 करोगे लेकिन एक्सपीरियंशियल क्या है आपको एक्सपीरियंस करना है हो सकता है वो एक बार करो दो बार करो लेकिन प्रैक्टिस वाली चीज किस में आएगी आपके प्रैक्टिकल में आएगी कोई ना कोई प्रोसीजर होगा जैसे लैब में आप जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि नहीं करते हो तो वो कौन सी नॉलेज गेन कर रहे हो उससे उससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हो एज वेल एज एक्सपीरियंस भी कर रहे हो लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है ठीक है चलिए हेबर मास की थ्योरी करते हैं इन्होंने तीन टाइप की नॉलेज दी थी टेक्निकल कॉग्नेटिव ठीक है तकनीकी संज्ञानात्मक दूसरा क्या था प्रैक्टिकल इंटरेस्ट इसी का दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना हर्मिनियोटिक ठीक है व्याख्यात्मक हर्मिनोटिक वर्ड का मतलब ही होता है डिस्क्राइब करना ठीक है व्याख्या करना अगला देखिए क्रिटिकल एंड इमेंसीपेटरी अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं पहला है सबसे पहला क्या है टेक्निकल फॉर्म ऑफ नॉलेज ये उस टाइप की नॉलेज होती है जो हम ऑबटेन करते हैं साइंटिफिक मेथड से कैसे ऑबटेन करते हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड दूसरे कलर का पेन यूज़ करते हैं ये कैसी होती है ऑब्जेक्टिव होती है जैसे मान लीजिए न्यूटन के जो लॉस उन्होंने बताए या फिर मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन बनाई तो ये सब चीज़ें इस इस तरह का ज्ञान है ये कहाँ से आ रहा है ये आप एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करके निकाल रहे हो बहुत सारी रिसर्चेज़ होती हैं उनमें भी हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं तो जहाँ पे भी आप साइंटिफिक मेथड की मदद से कोई ज्ञान जेनरेट कर रहे हो किस लिए कर रहे हो यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए इसका एम क्या होता है एम होता है टू अनकवर यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसी चीजें पता लगाना जो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में एक जगह के लिए सही नहीं है पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल ज्ञान है जो इस तरह का जो ज्ञान है वो किस में आता है आपका टेक्निकल में अगर आप ध्यान दो तो कहीं ना कहीं ये किससे मैच कर रहा है डेंग एंड ल्यूक ने जो आपको, आपको डिसिप्लिनरी नॉलेज बोला था उससे काफ़ी ज़्यादा ये मैच करता है कि ये किस तरह का ज्ञान है जो यूनिवर्सल है ठीक है यूनिवर्सल समझ रहे हो ना सबके लिए सेम है दूसरी चीज ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वर्ड मैंने आपको बहुत बार समझाया ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का क्या अंतर है ऑब्जेक्टिव का मतलब है मेरे लिए इसका ये मतलब है तो आपके लिए भी उसका वही मतलब होगा जो लॉज ऑफ मोशन है ठीक है या फिर ग्रेविटेशन है मेरे लिए भी वो वही चीज़ है आपके लिए भी वही चीज़ है सबके लिए उसका मायना उसका मतलब सेम आता है लेकिन देर आर सब्जेक्ट्स लाइक आप मान लो सोशियोलॉजी uh, हो गया ठीक है फिलोसफी हो गया वहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है जैसे इंटेलिजेंस है देखिए इंटेलिजेंस एक uh, क्या कॉन्सेप्ट है लेकिन हर इंसान ने नॉट हर बट मैक्सिमम लोग उसको अलग तरह से देखते हैं जैसे कि अगर आप गार्डनर को देखो तो गार्डनर क्या कहता है इंटेलिजेंस कैसी है मल्टीपल है बहुत तरह की होती है तो गार्डनर के लिए इंटेलिजेंस का मतलब अलग हो गया ठीक है तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है ये सब्जेक्टिविटी है अगर मैं दूसरे इंसान का नाम लूँ जैसे कि स्पीयरमैन है ठीक है स्पियर ने स्पीयरमैन ने बोला था कि नहीं टू फैक्टर थ्योरी दी थी तो उन्होंने बोला था इंटेलिजेंस यूनिटरी होती है तो आप देखिए इंटेलिजेंस जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है वो यूनिवर्सल नहीं है वो कैसा है उससे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है हर इंसान के लिए अलग अलग मतलब हो सकता है लेकिन ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन जो है कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन है वो सबके लिए सेम है ठीक है ये ऑब्जेक्टिव ज्ञान है इसीलिए हम इसे इस कहते हैं ऑब्जेक्टिव ज्ञान है प्लस कैसा यूनिवर्सल तो आई होप समझ आया आपको टेक्निकल फॉर्म ऑफ नॉलेज जो होती है उसका क्या मतलब है ये हम साइंटिफिक मेथड से निकालते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं सबके लिए सेम होते हैं अगला देखते हैं अगला क्या है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं हर्मिनियोटिक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि कैसे हम इंटरप्रेट कर रहे हैं एक ऐसी नॉलेज जो इंटरप्रेट करके निकल रही है इंटरप्रेट करने का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से क्या मतलब निकाल रहे हो जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा लोग पढ़ते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसका मतलब है कि मान लीजिए एटीन सेंचुरी या सेवनटीन सेंचुरी में कोई बुक लिखी गई अगर मैं आज उसे पढ़ रही हूँ ठीक है तो मैं उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करूँगी समझने की कोशिश करूँगी पर पर, पर पर मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि उस टाइम क्या संदर्भ रहा गया रहा होगा अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से उसको पढ़ूंगी तो मुझे बहुत गलतियां दिखेंगी कि बताओ औरतों के संग इतना गलत करते थे छोटी जाति लोगों के संग इतना गलत करते थे लेकिन मुझे समझना होगा इंटरप्रेट करते टाइम कि उस टाइम क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा संदर्भ रहा होगा इसलिए उस इंसान ने ऐसा लिखा है मान लीजिए मैं उस टाइम की कोई पोइट्री पढ़ रही हूँ पोएम पढ़ रही हूँ और उसमें औरतों के लिए बहुत अजीब अजीब चीज़ें लिखी हैं ठीक है तो मुझे समझना होगा उस टाइम औरतों की स्थिति वैसी थी इसलिए ऐसा लिखा गया है तो आप यहां पे क्या करते हो ऐसी नॉलेज जो कैसे निकलती है इंटरप्रेट करके निकल रही है इंटरप्रेट करके निकल रही है ठीक है समझ आया और आपको याद रखना इंटरप्रेट करते टाइम टाइम कि उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा रहा होगा कल्चरल सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा इस तरह से जो नॉलेज निकल रही है वो आपकी किस तरह की नॉलेज हो गई हर्मिनियोटिक नॉलेज या फिर इसका दूसरा नाम क्या है प्रैक्टिकल ठीक है समझ आई इतनी चीजें जी चलिए अगला देखते हैं अगला देखते हैं अगला क्या है अगला है इमेंसीपेटरी या फिर क्रिटिकल कॉग्नेटिव इंटरेस्ट इस नॉलेज को समझना है तो आप याद कर लो पॉलो फ्रियरे को यहां पे ऐसी नॉलेज है देखिए जहां पे हम क्या बोलते हैं जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं सेल्फ़ रिफ्लेक्शन से और क्रिटिकल एग्जामिनेशन से यहाँ पे हम मान लीजिए किसी के संग कुछ गलत हो रहा है जैसे पोलोफ्रियरी ने बोला था ना कि जो डोमिनेंट क्लास है वो जान मुझ के ऐसे काम करती है कि ये जो ऑपरेस्ड क्लास है हमेशा क्या रहे ऑपरेस्ड रहे तो यहाँ पर कैसी नॉलेज आएगी कि ऑपरेस्ड क्लास ऐसी नॉलेज दो इस ऑपरेस्ड क्लास को कि वो क्वेश्चन कर पाए उसे समझ आए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोमिनेंट क्लास हमें दबा रही है इस तरह से दबा रही है कि हमें पता भी नहीं है कि हमें दबा रही मान लीजिए ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जो ऑप्रेस्ड क्लास है दबा हुआ जो आपका आ, ग्रुप है उसको तो लगेगा अरे हमारे भलाई के लिए हो रहा है लेकिन अगर ध्यान से गहरा अध्ययन किया जाए तो हो सकता है वो पॉलिसी इनको हमेशा दबाए रखने के लिए आ रही हो तो यहाँ पर कैसी नॉलेज आती है इमेंसीपेटरी या फिर क्रिटिकल कॉग्निटिव इंटरेस्ट में ऐसी नॉलेज आती है जिसमें बच्चे को बोला जाता है कि आप क्वेश्चन करो ठीक है अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्वेश्चन करना सीख पाओ ठीक है सेल्फ रिफ्लेक्शन करो ध्यान से सोचो क्रिटिकल थिंकिंग करो इस तरह की नॉलेज किसके अंदर आती है आपकी इमेंसिपेट्री या फिर उसे बोल लो आप क्रिटिकल कॉग्नेटिव इंटरेस्ट ठीक है जैसे आप मान लीजिए कि सोशल जस्टिस मूवमेंट बहुत सारे होते रहते हैं जैसे अमेरिका में हुआ था ना सिविल राइट्स मूवमेंट जिसमें रेस पर बात हुई थी कि जो ब्लैक्स थे उनके संग बहुत गलत होता था उनको सेम राइट्स नहीं मिलते थे सेम अधिकार नहीं मिलते थे वाइट्स जैसे जो वहाँ के नागरिक थे है नहीं तो वहां के जो लोग हैं ब्लैक स्लोक थे उन्होंने सोचा कि हमारे संग गलत हो रहा है तो उन्होंने ये वाली नॉलेज दर्शाई कि हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हमारे संग गलत हो रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा क्रिटिकली सोचना पड़ेगा अगर इस तरह से आप लोगों से काम करवा पा रहे हो ऐसी सोच डेवलप कर पा रहे हो तो वो किस तरह की नॉलेज हो जाएगी इमेंसिपेटरी या फिर क्रिटिकल कॉग्नेटिव ठीक है समझ आए आलोचनात्मक आलोचनात्मक ज्ञान होगा वो आपका समझ आया ये ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आते हैं हमारे ली शुलमिन एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं कि क्या था वो हाँ समझ आया ये थ्योरी किसने दी थी आपके हेबरमेस ने दी थी थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट इंटरेस्ट ध्यान रखना है इसके अलावा इन्होंने तीन टाइप के बताए थे पहला था टेक्निकल टेक्निकल में क्या आता है जो साइंटिफिक मेथड से आप नॉलेज जनरेट कर रहे हो वो नॉलेज क्या है ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है प्लस यूनिवर्सल है सेम है सबके लिए प्रैक्टिकल इंटरेस्ट और हारमिनीटिक नॉलेज क्या होती है जो चीज़ों को इंटरप्रेट करके आती है कि आप उनसे क्या मतलब निकाल रहे हो जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मैंने बोला ना कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो हो सकता है आप उसका कुछ और मतलब निकालो आप कोई और मतलब निकालो और अगर मेरे फ्यूचर में मान लीजिए कि टू थाउजेंड uh, में कोई अभी की बुक पढ़े तो वो उससे कुछ और मतलब निकाले ठीक है देन क्या है क्रिटिकल इमेंसीपेटरी यहाँ पे ऐसी नॉलेज कि लोग क्या कर पाए क्वेश्चनिंग कर पाए प्रश्न उठा पाए अगर किसी के संग कुछ गलत हो रहा है क्या कर पाए सेल्फ रिफ्लेक्शन कर पाए चिंतन कर पाए क्रिटिकली थिंक कर पाए इस तरह की नॉलेज है ये तीन नाम आपको याद रखना है क्वेश्चन इससे ज्यादा डीप कभी मैंने देखा नहीं है प्रीवियस ईयर में तो अगर इतना आप करके जाओगे तो ये मोर देन एन एफर चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वी हैव ली एस शुलमैन शुलमैन ने भी बहुत सारा काम किया इससे रिलेटेड तो इन्होंने देखो क्या क्या चीज़ें दी हैं इनके तीन कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत मेन है पहला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने सेवन नॉलेज बेसिस दिए हैं सात तरह की नॉलेज बताई हैं इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बताई है नॉलेज पेटेगोजिकल कॉन्टेंट नॉलेज पी सी के ये इनका पहला कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा बात की है तीसरी चीज़ क्या है इन्होंने एक मॉडल दिया था मॉडल ऑफ पेडेगोजिकल रीजनिंग तो अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं पी सी के से पेडगॉजिकल कॉन्टेंट नॉलेज जिसका शॉर्ट क्या है पी सी के देखिए ऐसा होता था माना जाता था पहले के टाइम पर कि जो कंटेंट नॉलेज है वो अलग चलती थी मतलब एक टीचर जो है वो अपनी कंटेंट नॉलेज अलग पढ़ रहा है अपनी जो पेडगॉजिकल नॉलेज है वो अलग पढ़ रहा है इसका क्या अर्थ है कंटेंट uh, नॉलेज क्या है जो आपका सब्जेक्ट का ज्ञान है अगर आप मैथ्स के टीचर बन रहे हो तो मैथ्स का कंटेंट अलग पढ़ रहे हो ठीक है और पेडगोजी अलग पढ़ रहे हो कि पढ़ाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग है कोलैबोरेटिव है एक्सपोजिटरी है, uh, है बहुत सारे तरीके वो अलग पढ़ रहे हो तो ली ने कहा कि ये जो दोनों के बीच में गैप है इसे गैप ख़त्म करना है हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अगर अलग अलग चलेंगे तो एक टीचर के लिए ये अच्छा नहीं है तो इन्होंने सिंपल ये चीज़ बोली पी के में आपको एक फिगर दिखाती हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा देखिए जो पेडोगॉजिकल नॉलेज थी कि पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं मेथड्स क्या क्या हैं ये देखिए जो मेथड्स क्या क्या हैं वो अलग थे और कंटेंट क्या था वो अलग था तो हमने इनको मिक्स कर दिया जब ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो आपको क्या मिलता है पेडोगॉजिकल कंटेंट नॉलेज ठीक है क्या फ़ायदा होगा अगर आपको आपको सिर्फ कंटेंट कंटेंट आता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये कैसे होता है वो कैसे होता है कोई फ़ायदा नहीं है एक टीचर को अगर एक टीचर ऐसा है जिसे सिर्फ ये पता है कि पढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं जैसे तरीका क्या है आपको मैंने अभी पता है एक्सपोजिटरी है आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से पढ़ा रहे हो आप ग्रुप लर्निंग करवा रहे हो उसको मेथड पता है उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है फ़ायदा तब होगा जब एक टीचर ये डिसाइड कर पाए कौन सा कंटेंट पढ़ाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है सारे मेथड किसी ना किसी कुछ ना कुछ लिमिटेशन या डीलिमिटेशन होती हैं हर एक मेथड की लेकिन कौन से मेथड को यूज करना है कौन सा कंटेंट पढ़ाने के लिए ये नॉलेज क्या है आपकी वो नॉलेज है आपकी पी सी के समझ आया इनका तर्क समझ आया कितना सही है कि सिर्फ कंटेंट कंटेंट आना इसका मतलब भी ऐसा नहीं है कि आप अच्छा पढ़ा लोगे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे से कंटेंट बहुत अच्छा आता है मास्टर होते हैं कंटेंट के लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसको डिलीवर कैसे करना है बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन, उनके पास लिस्ट है की कि इतने तरीके से पढ़ा सकते हैं लेकिन उनके पास कॉन्टेंट नॉलेज नहीं है अच्छी तो हमें क्या करना है एक टीचर को ऐसा बनाना है कि उसके पास दोनों चीज़ें हों ठीक है ये दोनों अलग अलग नहीं चलनी है इन दोनों को साथ में लेके चलना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये यह जो डुअलिटी है डुअलिटी का मतलब क्या होता है टू डुअलिटी की कॉन्टेंट नॉलेज अलग चल रही थी पेडगोजिकल नॉलेज अलग चल रही थी इस डुअलिटी को एड्रेस करने के लिए ठीक करने के लिए उन्होंने क्या बोला हम पी सी के लाते हैं ठीक चलिए आगे चलते हैं अब देखिए यहाँ पे यही चीज बोली गई है आपने देखा होगा बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट के सब्जेक्ट मास्टर होते हैं एक टीचर को एक सब्जेक्ट मास्टर से कौन अलग करता है उसकी पीसी के अलग करती है जैसे आप साइंटिस्ट ले लो क्या साइंटिस्ट के पास जितनी अच्छी फिज़िक्स की नॉलेज है उतने अच्छे से फिजिक्स कोई और बता सकता है खुद ही सोचिए उसको जितने अच्छे से लॉज ऑफ मोशन ग्रेविटेशन सब कुछ आता है उतना अच्छे से शायद एक टीचर को भी नहीं आता लेकिन एक टीचर कैसे अलग है उससे क्योंकि टीचर को ये आता है कि कौन सा कंटेंट कैसे पढ़ाना है समझ आई कि एक जो एक एक्सपर्ट है किसी फील्ड में उससे टीचर किस तरह अलग है टीचर को ये पता है कि उसको पढ़ाना कैसे है देन अगली चीज़ ध्यान दीजिए कि पी के क्या है पी के एक तरह का क्रॉसवे है यानी क्या आप बोल सकते हो दोनों को जोड़ने वाली एक चीज़ है और शुलमैन ने यह भी बोला था कि मैंने बहुत सारे टाइप की नॉलेज बताई है मैंने भी आपको दिखाया ना सेवन टाइप की नॉलेज बेसिस दिए हैं किसने शुलमैन ने शुलमैन ने खुद बोला है कि ये जो पी के टाइप की नॉलेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में पी के पे खास ध्यान देना चाहिए चलिए आगे चलते हैं अगली चीज यही चीज़ यहाँ हिंदी में है अब सेवन नॉलेज बेसिस क्या थे तो उम्मीद करती हूँ शिलमैन का जो पहला कंट्रीब्यूशन था पीसीके के आपको समझ आया है कि कंटेंट पैडेगॉजी अलग अलग नहीं साथ में ला लानी है और साथ में ही टीचर को सिखानी है कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है टीचर ये समझ पाए ये निर्णय ले पाए अब अगला कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपके शुलमैन का था वो था सेवन बेसिस ऑफ नॉलेज उन्होंने सात तरह की नॉलेज बताई थी जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हमें देनी चाहिए एक टीचर को पहली क्या थी देखिए पहली है कॉन्टेंट नॉलेज दूसरी क्या है जनरल पेडोगोजिकल नॉलेज तीसरी क्या है करिकुलम की नॉलेज चौथी क्या है पेडोगॉजिकल कॉन्टेंट नॉलेज यही पी वाली मैंने बोला ना सात में से शुलमैन ने खुद बोला है कि ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवी क्या है नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक छठी है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट और आखिरी है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल एंड्स पर्पज एंड वैल्यूज़ चलिए अब एक एक को देखते हैं कि इनका मतलब क्या है सबसे पहले आपके पास है कंटेंट नॉलेज ये तो आपको समझ आ ही गया है कि जो जिस भी सब्जेक्ट का टीचर है उसका कंटेंट आना चाहिए अगर मैं सोशियोलॉजी की टीचर हूँ तो मुझे सोशियोलॉजी की थ्योरी सब आनी चाहिए फिलॉसफी के टीचर हूँ तो मुझे स्कूल ऑफ थॉट्स सारे पता होने चाहिए मैं अगर बायो की टीचर हूँ तो मुझे फ़ोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन ये सारी चीज़ें आनी चाहिए तो ये हो गई आपकी कॉन्टेंट नॉलेज देन नेक्स्ट है पेडोगॉजिकल नॉलेज पेडोगॉजिकल नॉलेज क्या होती है कि पढ़ाने के तरीके क्या क्या है मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है इसकी नॉलेज होना क्या हो गया पेडोगॉजिकल नॉलेज तो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सातों प्रकार की नॉलेजेस ज्ञान होना चाहिए चलिए जी ज्ञानवती एकदम ठीक कह रहे कहीं कहीं आठ दिए गए हैं कहीं कहीं सात दिए गए हैं लेकिन अगर आप उनका ओरिजिनल पेपर देखो तो मेनली आपको ये सात दिखते हैं चलिए आगे देखते हैं पेटेगॉजिकल कॉन्टेंट नॉलेज ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई दिया है कि इन दोनों को साथ में ये दोनों अलग अलग नहीं रहेंगे इनको साथ में पढ़ाना है कि कौन से कॉन्टेंट के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा ये चुन पाना ये भी तो एक तरह की नॉलेज है तो ये किस में आती है आपकी पी में अगली देखिए यही चीज़ यहाँ हिंदी में है अगली देखिए चौथी है करिकुलर करिकुलर नॉलेज यानी कि आपको टेक्स्ट बुक की नॉलेज हो करिकुलम की नॉलेज हो क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं इसकी नॉलेज हो जैसे टी एल एम यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं तो ये, इन इन तरह की सारी नॉलेज किस में आ जाएगी आपके करिकुलम में करिकुलम में आप देखिए कितना ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ देखो को करिकुलर एक्टिविटीज़ देखो तो ये सब किसका पार्ट हो जाएंगे करिकुलर नॉलेज की तो एक टीचर को इन सब का भी ज्ञान होना चाहिए तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए शामिल होनी चाहिए अगला है नॉलेज ऑफ लर्नर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक अब लर्नर्स के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना सेम एग्जाम्पल देती हूँ मैंने बहुत बार दिया है कि अगर आप फिफ्थ क्लास के बच्चे को डिफ्रेंशिएशन या इन इंटीग्रेशन पढ़ाने चले गए तो आपको लगता है वो समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा तो ज़रूरी है आप लर्नर्स को जानो जो बच्चे हैं उनको जानो क्या वो फिफ्थ क्लास में क्या वो फिफ्थ क्लास में समझ पाएंगे इतनी कठिन चीज़ नहीं तो आप आपको क्या पढ़ाई जाती इसीलिए आपको पढ़ाई जाती है साइकोलॉजी और साइकोलॉजी से आपको पता चलता है कि पियाजे ने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें कब सीख पाता है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ठीक है तो यहाँ पे बच्चों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि बच्चे कैसे सीखते हैं कैसे नहीं सीखते हैं किस एज में क्या बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए ये चीज़ की भी नॉलेज हमें टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में टीचर को देनी चाहिए अगली है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट अब कॉन्टेक्स्ट संदर्भ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी एक टीचर पढ़ाए तो वो कई चीज़ों पे ध्यान दे सोशल कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचिंग को क्या करती हैं प्रभावित करती हैं ठीक है तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो ध्यान देगी ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही कल्चर के एग्जाम्पल दिए जा रहे हो क्लास में बाकी कल्चर के जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं उनको लग रहा है कि मैम हमें शामिल ही नहीं कर रही हैं क्लास में तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है कि ये जो टीचिंग है वो एक आइसोलेशन में नहीं होती है उसको बहुत सारे कारक फैक्टर्स क्या है प्रभावित करते हैं तो टीचर को ये चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि इतने सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी टीचिंग को अफेक्ट करेंगे तो जब भी वो कुछ पढ़ाने जाए तो इनको ध्यान रखे समझ आई ये चीज़ अब आखिरी टाइप की क्या है नॉलेज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड थ्योरी इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को अवेयर होने चाहिए कि क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं टीचर एजुकेशन में क्या नए नए तरीके आ रहे हैं पढ़ाने के ठीक है तो टीचर को इन सातों प्रकार की नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए बोला जाता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हर तरह का ज्ञान इंक्लूड करो तो मैंने आपको इसके पहले और दो लोग बताए थे एक थे आपके हेबरमास एक थे आपके डेंगन ल्यूक ये दोनों लोग तो इन लोगों ने भी अपना बताया कि क्या क्या बेस होना चाहिए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का कि किस तरह की नॉलेज देनी चाहिए उसी तरह शुलमैन ने भी बोला ये सात प्रकार की हमें देनी चाहिए इसमें से भी जो पी के है वो बहुत ज्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है आगे चलते हैं देन इसके बाद जो तीसरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन आपके शुलमैन का था वो था मॉडल ऑफ पेडोगॉजिकल रीजनिंग ठीक है इसके जो स्टेप्स हैं आप वो याद रखना क्या क्या स्टेप्स हैं कॉम्प्रीहेंशन पहला है इसकी जगह आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिल सकता है लिखा हुआ क्योंकि मतलब सेम है काफी ठीक है कॉम्प्रीहेंशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फर्दर बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और भी स्टेप्स हैं प्रिपरेशन रिप्रेजेंटेशन सेलेक्शन एंड अडेप्टन तो इसके अंदर चार स्टेप्स हैं फिर है आपका इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन की जगह आपका लिख के आ सकता है टीचिंग वर्ड तो ये स्टेप्स आप याद रखना फिर क्या है इवेलुएशन रिफ्लेक्शन न्यू कॉम्प्रीहेंशन न्यू कॉम्प्रीहेंशन की जगह फिर से आप क्या लिख सकते हो न्यू अंडरस्टैंडिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग यही चीज़ मैंने आपको यहाँ हिंदी में दे दी है समझ परिवर्तन ठीक है समझ आई ये चीज़ अब एक एक को मैं एक एक लाइन में बताती हूँ क्योंकि बहुत ईजी है शब्दों से ही पता चल रहा है कि इसका क्या अर्थ होगा तो एक एक को चलिए देखते हैं पहला क्या है इस मॉडल का जो पहला स्टेप है वो क्या है अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले जो इनिशियल फ़ेज़ है सबसे पहला जो फेज़ है उसमें टीचर क्या करेगा टीचर uh, समझेगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है मैं कहाँ जा रहा हूँ पढ़ाने किसे जा रहा हूँ पढ़ाने ये सब ठीक है समझ आई ये चीज़ पहला अंडरस्टैंडिंग समझना आप जैसे पढ़ाने जाते हो क्लास में तो पहले आप प्रिपरेशन करते हो कि नहीं करते हो कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है तो उसके बारे में हम फर्स्ट स्टेप में डिस्कस करते हैं दिस फेज़ इन्वॉल्व टीचर्स डीप कॉम्प्रीहेंशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ़ द स्टूडेंट एंड एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आ, टीचर देखता है और किन को पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में देखता है जैसे अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है तो बायोलॉजी बायोलॉजी में भी एक टॉपिक लेते हैं मान लीजिए मुझे सेल सेल पढ़ाना है सेल अब सेल में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन मुझे देखना पड़ेगा ना मैं किसको पढ़ाने जा रही हूँ अगर सिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ वैसे तो एट्थ क्लास में होता है सेल अगर मैं एट्थ क्लास के या सेवेंथ क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रही हूँ सेल तो मैं सेल का भी लिमिटेड कंटेंट लेके जाऊंगी लेकिन अगर मैं ट्वेल्थ क्लास के बच्चे को सेल पढ़ाने जा रही हूँ तो मैं अपने कंटेंट में से ज़्यादा डीप एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट उस बच्चे के लिए लेकर जाऊंगी तो ये नॉलेज आपको किस में होनी चाहिए पहली अंडरस्टैंडिंग में दूसरा क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आपके प्लानिंग फेज आता है जब आप पूरा प्लान कर रहे हो क्या करना है कैसे करना है कैसे पढ़ाना है जाकर पहला क्या है प्रिपरेशन प्रिपरेशन में आप प्रिपेयर कर रहे हो कि लेसन प्लान बनाते हो मटीरियल इकट्ठा करते हो रिप्रेजेंटेशन में सोचते हो कि जो आपने सोचा है पढ़ाने को उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए क्या मैं बोल के पढ़ा दूँ क्या मैं बच्चों के लिए पीपीटी बना के ले जाऊं या मैं कोई मटेरियल बना के ले जाऊं जिससे बच्चों से हैंड ऑन एक्टिविटी कराऊंगी तो ये रिप्रेजेंटेशन अपना मटेरियल दिखाओगे कैसे एक टी बच्चे को सिलेक्शन बहुत सारे मटेरियल हो गए आपके पास बहुत सारे टीचिंग मेथड हो गए अब उसमें से सेलेक्ट करोगे कि क्या अप्रोप्रिएट सबसे बेहतर रहेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए यह आप सिलेक्शन में करते हो आखिरी है अडाप्टेशन यहाँ पर अब एक्चुअली जो टीचर है वो अडेप्ट करता है मान लीजिए वो पढ़ाने गया होगा तो वो क्या करेगा देखेगा कि आ, वो वो तो सोच के गया था ऐसे से कर देगा उसने सोचा था कंप्यूटर से पढ़ा देंगे लैपटॉप से पढ़ा देंगे यानी कि स्क्रीन से पढ़ा देंगे बट क्या हुआ उस दिन लाइट ही नहीं आ रही थी तो टीचर को हो सकता है कि अपना प्लान चेंज करना पड़े या फिर अपने मटीरियल को अडेप्ट करना पड़े उसने देखा मेरे यहाँ क्या हुआ है कुछ कुछ साउथ साउथ इंडियन बच्चे आए हैं तो उसने सोचा अपने मटेरियल मुझे चेंज करना पड़ेगा अगर मैं फेस्टिवल्स के नाम बता रही हूँ तो ऐसा करता हूँ ऐसा करती हूँ कि कुछ साउथ इंडियन फेस्टिवल्स के भी नाम डाल देती हूँ समझ आए तो आप अडाप्ट करते हो अपने मटेरियल को चेंज करते हो किस हिसाब से जिस हिसाब से आपके बच्चों की नीड होती है आपके क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है देन अगला स्टेप क्या है अगला है, अगला है आपका टीचिंग नेक्स्ट क्या आता है आपका टीचिंग स्टेप टीचिंग में क्या करते हो अब आप एक्चुअली जाके आप पढ़ाओगे जितनी आपने प्लानिंग की वो जाके आप पढ़ा रहे हो अगला क्या है इवेलुएशन अब आपने जो पढ़ाया उसको क्या करोगे असेस करोगे देखोगे जो पढ़ाया था बच्चों को आया कि नहीं आया नहीं आया तो क्या नहीं आया ठीक है क्या लर्निंग गैप्स रह गए फिर रिफ्लेक्शन इवेलुएट कर दिया फिर रिफ़्लेक्ट करोगे उसी पे क्या मैंने सही पढ़ाया था क्या मैंने कुछ गलती की थी पढ़ाने में मैं अपनी प्रैक्टिस को और कैसे अच्छा कर सकती हूँ तो टीचर क्या करेगा रिफ्लेक्ट दे न्यू फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो कुछ नया सीखोगे कि नहीं सीखोगे अपने रिफ्लेक्शन से कि हाँ लास्ट क्लास में मैं आ, बहुत ज़्यादा सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाती जा रही थी तो जो मेरी क्लास में हिंदी लर्नर्स थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था तो आपकी जो नई लर्निंग है वो आप इस फेज़ में यूज़ करोगे कि आपने कुछ नया सीखा कि मुझे हिंदी में भी मुझे हिंदी में भी स्लाइड्स खोलनी है और मुझे हिंदी में भी पढ़ाना है तो ये एक नई अंडरस्टैंडिंग हो गई जो टीचर को मिली ये एक नया ज्ञान हो गया जो टीचर को मिला सभ्यता ज्ञानवती गरिमा समझ आए सातों प्रकार ये जो नॉट सातों ये जो स्टेप्स थे ये समझ आए आपको समझ आए मॉडल ऑफ पेडोगोलॉजिकल रीजनिंग के सारे स्टेप्स पहला क्या था कॉम्प्रिहेंशन अपना अपना आप कॉन्टेंट नॉलेज अपने पढ़ाने के तरीके ये सब आ, समझते हो फिर ट्रांसफॉर्मेशन फिर आप पूरी प्लानिंग करते हो कि क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है कैसे बच्चों को दिखाना है वो चीज़ सेलेक्ट करते हो देन इंस्ट्रक्शन एक्चुअली जाकर पढ़ाते हो फिर एवेल्यूशन जो पढ़ाया उसका क्या परिणाम हुआ वो देखते हो कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया रिफ्लेक्शन फिर अपनी प्रैक्टिस पर आपने जैसा पढ़ाया उस पर रिफ़्लेक्ट करते हो चिंतन करते हो कि क्या कमी रह गई क्या अच्छा किया कैसे और बेहतर कर सकते हैं आखिरी न्यू कॉम्प्रीहेंशन इस रिफ़्लेक्शन से जो भी सीखा है वो क्या हो जाएगा आपका न्यू कॉम्प्रीहेंशन ठीक है समझ आ गया ये ये टॉपिक इतना कठिन था नहीं जितना ये देखने में लगता था तो आई होप समझ आ गया ये तीनों टाइप के कि डेंग इन ल्यूक ने क्या दिया था ये तीन प्रकार के दिए थे डिसिप्लिनरी जो हर एक नॉलेज हर एक सब्जेक्ट की अपनी नॉलेज होती है प्रोसीजरल या प्रैक्टिकल ऐसा ज्ञान जो करके आता है जैसे स्किल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स मेथड्स एक्सपीरियंसल एक्सपीरियंस क्या होता है एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या होती है जब एक्सपीरियंस करते अनुभव करके प्राप्त करते हो अगर अनुभव नहीं करोगे तो वो आपको प्राप्ति नहीं होगी उस ज्ञान की फिर उसके बाद सेकेंड हमने क्या पढ़ा ये रिवाइज करवा रही हूँ एक शॉर्ट में अगला हमने पढ़ा था जर्गन हेबर मास जिनकी थ्योरी का क्या नाम था थ्योरी ऑफ नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट इन्होंने तीन टाइप के दिए थे टेक्निकल कॉग्नेटिव दूसरा क्या था प्रैक्टिकल इंटरेस्ट इसी का दूसरा नाम क्या है हर्मिनियॉटिक नॉलेज तीसरा क्या था क्रिटिकल एंड एमेंसिपेटरी टेक्निकल में कौन सा ज्ञान आता है ऐसा ज्ञान जो कैसा है जो हम साइंटिफिक मेथड से गेन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, है यानी कि सबके लिए उसका सेम मतलब निकल रहा है यूनिवर्सल है हर जगह सेम है ठीक है फिर क्या था प्रैक्टिकल uh, इंटरेस्ट है हर्मिनीटिक हर्मिनीटिक का मतलब होता है व्याख्या करना मतलब क्या इंटरप्रेट कर उससे क्या मतलब निकाल रहे हो ठीक है तो यहाँ पे ऐसा ज्ञान आ जाएगा जैसे कोई नॉवेल का एग्जाम्पल मैंने दिया था कोई नॉवल है उससे आप क्या मतलब निकाल पा रहे हो आप क्या समझ पा रहे हो वो जो ज्ञान है हो सकता है किसी जिस लेखक ने लिखा है उसने कुछ और लिखा है लेकिन आपने पढ़ के उससे कुछ और मतलब निकाला वो ज्ञान क्या है आपका ज्ञान ठीक है लेकिन जब ये ज्ञान आप प्राप्त करते हो आपको ध्यान रखना है कि वो जो बुक पोएट्री किस कॉन्टेक्स में लिखी गई थी ठीक है आखिरी क्या था क्रिटिकल एन इमेंटरी इसके लिए बस पोलो फ्रीरे को याद कर लो कि ऐसा ज्ञान जिससे एक बच्चा क्या कर पाए क्वेश्चन कर पाए अगर कहीं इनइक्वालिटी है किसी के संग गलत हो रहा है तो क्वेश्चनिंग कर पाए सेल्फ रिफ्लेक्शन करे क्रिटिकली सोच पाए ऐसा ज्ञान आखिरी क्या बताया मैंने आपको लास्ट बताया मैंने आपको शुलमैन के बारे में ली शुलमैन उन, उनके तीन कॉन्ट्रीब्यूशन थे पहला पी के कि जो कॉन्टेंट नॉलेज है और जो पेडिगोलॉजिकल नॉलेज है दोनों अलग अलग रहते हैं हमें क्या करना है दोनों को साथ में लेके चलना है अदरवाइज़ एक टीचर बेहतरीन तरीके से क्लास में पढ़ा नहीं पाएगा उसको दोनों तरह के ज्ञान होने चाहिए और दोनों भी सेपरेट नहीं होने चाहिए साथ में होने चाहिए सिर्फ मेथड पता है कौन कौन से उससे काम नहीं चलेगा अगर बहुत सारा कॉन्टेंट आता है उससे भी काम नहीं चलेगा काम कब चलेगा जब आप ये चूज़ कर पाओ कौन से मेथड से कौन सा कॉन्टेंट पढ़ाया जा सकता है ठीक है अगला कंट्रीब्यूशन क्या था सात तरह के नॉलेज बेस तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है सात तरह के नॉलेज बेस कहीं कहीं आठ भी दिया है देन मॉडल ऑफ पेडोगोजिकल रीजनिंग यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं उनके बस आप नाम याद रखो और मैंने तो आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है किसका क्या अर्थ है अगर याद रख पा रहे हो तो ठीक है अदरवाइज मेन मेन ये आपको नाम याद रखने हैं समझ आ गया ये ये समझ आया ये टॉपिक कुछ नहीं था इसमें बस क्या टाइप्स ऑफ नॉलेज दी हैं जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में हमें ऑफर करनी चाहिए उसके बारे में है ये पूरी थ्योरीज इन तीनों की इन तीनों के व्यूज तो आई होप समझ आई है क्लासेस आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और एग्जाम में अब इससे रिलेटेड गलती मत करना अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप एक काम कर सकते हो इनका नाम इंटरनेट पे डाल के क्वेश्चन सर्च कर सकते हो तो जो क्वेश्चन आए फिर अटेम्प्ट करके देखो कि सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक like कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो सेकेंड चीज़ हाँ ये आप ये समझ सकते हो कि ये एक तरह की डेमो क्लास है बैच का ही कॉन्टेंट मैं बैच में जो चीज़ें कराती हूँ वही चीज़ आपको अभी थ्योरी वाली क्लासेस में करवा रही हूँ देखिए ये बैच की थर्ड डेमो क्लास है इसके अलावा कल मैं एक और डेमो क्लास कराऊंगी उसके बाद इस संडे को जो मैराथन क्लास है मैं थोड़ी बड़ी मैराथन क्लास प्लान कर रही हूँ ताकि ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पाएँ क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा कम दिन बचे हैं ठीक है ओ हेमलता यादव कह रहे मैम हिंदी लैंग्वेज में भी बता दीजिए अच्छा हाँ देखिए हिंदी में भी सब कुछ लिखा है अगर आपको ये पी चाहिए तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल है स्नेहल सचान सचान ऑफिशियल अगर आप इसको ज्वाइन कर लो तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी इस पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है बट क्लास में आज मुझसे हिंदी वाला थोड़ा छूट गया मैं जल्दी जल्दी में इंग्लिश वाला ही करा गई तो आप देख सकते हो किसी की कोई और क्वेरी है तो बता दीजिए ठीक है थैंक यू एवरी वन एंड एक बार मैं बैच दिखा देती हूँ इनकेस अगर कोई बैच लेना चाहता है तो वो परचेज कर सकता है बस आपको अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन सर्च करना है इंटरनेट पे जैसे ही आप अड्डा ट्वेंटी फ़ोर सेवन सर्च करोगे आपके सामने जो पहली लिंक आने वाली है आपको उसको ओपन करना है एंड उसके बाद यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाना है साइड में फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ, डोमेन्स आ जाएंगे जैसे यूजीसी तो यूजीसी वाला डोमेन आपको ओपन करना है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो यूजीसी नेट एजुकेशन का ये रहा सेक्शन तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आप कोई भी ले सकते हो ये फाउंडेशनल कोर्सेज हैं सेम है बस ये अलग है ये मेगा पैक है तो जैसे अगर आप मेगा पैक लेते हो तो इसका मतलब है पेपर वन पेपर टू दोनों की प्रिपरेशन कराई जाती है जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी का है बाय नाउ पे क्लिक करो अगर डिस्काउंट चाहते हो देन यू हैव टू अप्लाई द कोड Y821। जब आप ये कोड अप्लाई करते हो जब आप ये कोड अप्लाई करते हो तो इसका प्राइस कम हो जाता है और 6578 हो जाता है तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस कोर्स को एंड क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लाइक कर देना वीडियो को कोई क्वेरी है देन यू कैन कॉमेंट ठीक है हेलो आयशा गुड मॉर्निंग चलिए मिलते हैं फिर कल एक बजे और एक और थ्योरी क्लास आपके लिए आएगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी एंड सी यू टुमारो बाय एवरीवन